हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बहुत बेहतर होंगे। आज आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक लेकर के, केकेज मैथमेटिक्स चैनल में फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और मैं आपका केके सर। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे रेशियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूं, आप जानते होंगे इसको नो डाउट, बट मैं वंस अगेन आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हमें प्रोपोर्शन के बारे में भी जानना है। प्रोपोर्शन भी आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब जनरली इस टॉपिक का उपयोग क्या है, यानी इसका यूज आगे क्या है, जेईई मेंस एडवांस के एग्जाम में या कौन सा भी एंट्रेंस एग्जाम में इसका कहीं कहीं अपन यूज करते हैं। जैसे कंपोनेंटो डिविडेंडो की बात होता है, या अल्टरनेंडो कहीं बात होता है, या इन्वर्टिंडो की बात होता है, एक कहीं कहीं सवाल में यूज होते हैं, वहां पे लिखे हुए रहते हैं प्रॉपर्टी बाजू में। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है कंपोनेंडो, क्या होता है डिविडेंडो, क्या होता है अल्टरनेंडो, क्या होता है इन्वर्टेंडो। ये सारी चीजें आपको इसके डिस्कशन में मिल जाएगा प्रोपोर्शन में। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि रेशियो में इस बात, यानी रेशियो, आपको रेशियो का नाम सुनते हुए आपको इतना आ रहा होगा कि किसी दो नंबर के, जैसा 1/2 लिख दिया मैंने, तो इसको आप 1:2 रीड करते हो, बराबर है। तो रेशियो एक इस तरह के नंबर के डिविजन अपन बता सकते हैं। यदि दो नंबर इस तरह से रख दिया मैंने, ए बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर लिख दिया मैंने, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, ये कभी भी जीरो नहीं लिखना है आपको। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए इज टू बी, यदि आप लिख रहे हो तो इसका अपन लिखते हैं रेशियो, यानी इसको बोल लेते हैं अपन रेशियो कितना है, ए इज टू बी। दिस इज द सिंबल, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ इज टू बी, इज टू बी, यानी इसको अपन इस तरह से रीड कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं अपन रेशियो बोलते हैं। अब जैसा कि यहां पे मैंने रीड किया 1:2, 3:4, इस तरह से अपन लिख सकते हैं बातें को। अब एक बात समझना कि रेशियो से ही आपका जनरेट हुआ है प्रोपोर्शन। तो मैं इसमें बात कर रहा हूं प्रोपोर्शन के बारे में, तो थोड़ा सा आप समझिए कि क्या होता है प्रोपोर्शन, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जब दो रेशियो, कहने का मतलब लिख रहा हूं प्रोपोर्शन, यानी कहने का मतलब कि दो रेशियो की मैंने बात किया, ए अपॉन बी दैट इक्वल्स टू सी अपॉन डी। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे ना, तब इसको अपन प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं कि जब यदि इस तरह से रेशियो रहेगा तो आप लिख सकते हैं ना ए इज टू बी दैट इक्वल्स टू कितना, सी इज टू डी लिख सकते हैं, बराबर है। इसके बाद यदि अपन देखते हैं तो ए इज टू बी और ए इक्वल टू का जो सिंबल है ना, अब यहां पे मैं उसको प्रोपोर्शन का सिंबल दे रहा हूं, जहां पे चार डॉट इस तरह से बन जाएंगे और सी इज टू डी, यानी कहने का मतलब कि ए अपॉन बी इज प्रोपोर्शनल टू सी अपॉन डी, अपन बता सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, ट्रेडम ट्रेडम, वेन टू रेशियोज आर इक्वल, वेन टू रेशियोज आर इक्वल देन The four quantities कौन सा है आपका, A B C D, मान लो ऐसा, then the four quantities compositing then are said to be proportional if a upon b that equals to c upon d, a upon b that equals to c upon d, then it is written as a is to b that equals to c is to d, it is written as a is to b that equals to c is to d, or A is to B, this is the symbol of proportion, C is to D, ये हो गया आपका स्टेटमेंट, किसका प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट हो गया। यानी कहने का मतलब बहुत सिंपल होता है, जब किसी दो रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो अपन उसको प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, उसको अपन लिख सकते हैं इस तरह से। देखिए ना, यहां पर दो रेशियो चार क्वांटिटी की बात किया गया था, तो दो रेशियो कौन सा है, ए बी का रेशियो और सी और डी का रेशियो, दोनों रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, रेशियो में एक थोड़ा सा जानकारी और भी देना चाहता हूं। यदि आप 1:2 लिख रहे हो तो आप इसको 2:4 भी लिख सकते हो, बात तो एक ही होगा ना। यदि आप 3:6 भी लिख दिए तो भी बात एक ही होगा। आप देखिए ना, सभी आपस में एक दूसरे का प्रोपोर्शनल ही है ना,
यानी कुछ कांस्टेंट का मल्टीपल है। यदि आप इसको लिखते हो 2:4 भी लिखते हो या 3:6 भी लिखते हो या 5:10 भी लिखते हो तो बात तो सेम ही है ना, रेशियो तो सारे सेम ही है ना इसका। यदि आप डिवीजन करने के बाद जो कैंसिल होकर जो बचेगा वही तो है रेशियो यहां पर, और उसमें जो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीपल आपस में क्या होगा, सभी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही है यहां पर। अब मैं इससे बात कर रहा हूं, सुनिए, जैसा कि आपको प्रोपोर्शन के बारे में मैंने बता दिया कि दो रेशियो आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। तो आपको एक हेडिंग देना है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर वन। आइए प्रॉपर्टी पे लिखा के दे रहा हूं मैं आपको, बेहतर होगा। जैसा कि प्रॉपर्टी नंबर वन क्या बोलता है, जब एबी ए अपॉन बी, मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट है आपका ए अपॉन बी डेट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ए आपका स्टेटमेंट मैंने मान लिया कि ये स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट में पूरा अपन इसके प्रॉपर्टी को अपन रीड आउट कर लेंगे। तो इसमें आप एक ध्यान रखिए कि जब यहां पे ए एंड डी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और बी और सी को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। जैसा पहला और आखिरी जो आपको एलिमेंट दिख रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम बोलेंगे, यानी ए एंड डी आर, इसको क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एंड बी एंड सी क्या बन जाएगा, ए हो जाएगा इसके लिए मीन, यानी ये बीच में वैल्यू जो आ रहा है ना आपका, जैसा ए बी सी डी चार क्वांटिटी हमने लिया ना, तो ए और डी क्या हो गया आपका, एक्सट्रीम हो गया, और बी और सी क्या हो गया, मीन हो गया। तो कहीं यदि इस तरह के आपको रेशियो गिवन होगा तो आप एक बात समझिए कि आपको एक्सट्रीम और मीन समझना होगा या जानना होगा, तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप पहला प्रॉपर्टी में आप मेंशन करिए, राइट ऑन, राइट ऑन, ए एंड डी आर, ए एंड डी आर नोन एज एक्सट्रीम, 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 व्हाइल बी एंड सी आर नोन एज मीन्स, बी एंड सी आर नोन एज मीन्स। ये प्रॉपर्टी नंबर वन को मैंने आपको लिख के दिया कि क्या होता है एक्सट्रीम, क्या होता है मीन। सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी में, अब जैसे यदि रेशियो इस तरह से है, यानी दोनों एक्सट्रीम का आपस में मल्टीप्लीकेशन और मीन का मल्टीप्लीकेशन दोनों आपस में सेम होगा, तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बनता है, राइट डाउन लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, नंबर टू हो गया। नंबर थर्ड की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लिख लीजिए, इफ ए अपॉन बी दैट इक्वल्स टू सी अपॉन डी गिवन होगा, इफ ए अपॉन बी दैट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तब यहां से यदि आप इसको b अपॉन ए डेट इक्वल्स टू डी अपॉन सी लिख रहे हो, b अपॉन ए डेट इक्वल्स टू डी अपॉन सी, यानी कहने का मतलब इस रेशियो को मैंने उल्टा कर लिया, तो इस मेथड जो होता है ना, इस मेथड को बोलते हैं इनवर्टेंडो। क्या बोलते हैं, बोलना, इनवर्टेंडो। तो मैं बाजू में लिख रहा हूं यहां पे, इस मेथड जो हो गया इसका नाम क्या होगा, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। जब ऐसा गिवन होगा और रेशियो के जब उल्टा करके लिख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज द इनवर्टेंडो। एंड सेकेंड वन, अब यदि इसी स्टेटमेंट को नंबर फोर में नेक्स्ट में लिखना, जब इसी स्टेटमेंट को मैं आगे लेके चल रहा हूं, इफ ए अपॉन बी डेट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, अब यदि इसको आप इस तरह से लिखते हैं, ए अपॉन सी डेट इक्वल्स टू बी अपॉन डी, यदि आपका लिखने का तरीका ऐसा होगा तब ये जो प्रोपोर्शन होगा, इस प्रोपोर्शन को बोलेंगे अपन अल्टरनेंडो। क्या बोलेंगे, बोलना, अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो, राइट ऑन, हो गया ना। अब नेक्स्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड नंबर पे, नेक्स्ट पे आ रहा हूं, कितने नंबर फोर हो गए, नंबर फाइव प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। फाइव प्रॉपर्टी में भी आपको ए लिख देना है कंडीशन, इफ इफ ए अपॉन बी डेट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, प्रॉपर्टी नंबर फाइव डेट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यदि ऐसा गिवन होगा और आपको यहां से इसमें
सपोज दैट कि कहीं कहीं यूज में लिखा हो रहा था कि आपको कंपोनेंटो फाइंड करना है, तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंटो, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो कंपोनेंटो के लिए एक बात समझ में आना चाहिए आपको कि दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, इसमें वन ऐड कर लेते हैं। क्या बोला मैंने कि LHS और RHS में दोनों तरफ हम यहां पे वन ऐड करके देखते हैं। वन ऐड करना ही क्या होता है, कंपोनेंट हो जाता है। तो C अपॉन D प्लस वन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वन वन को कैंसिल कर दूं, बिल्कुल भी नहीं करना। यदि कर दोगे तो जो रहेगा वही बच जाएगा, जहां से चले थे वही आ जाएंगे, दुनिया गोल हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखिए कि वन को कैंसिल ना करते हुए यदि मैं वन सेकेंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ए प्लस बी अपॉन बी डेट इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन कितना बन जाएगा, डी बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैंने किया तो इस तरह के स्टेटमेंट बन जाएंगे, और इस स्टेटमेंट को बोलते हैं अपन कंपोनेंडो। क्या बोलते हैं, बोलना कंपोनेंडो, पोनेंडो। अब क्या होता है कंपोनेंडो, ये आपको समझ में आ गया होगा इस स्टेटमेंट, ये प्रॉपर्टी से। अब जब कंपोनेंडो आ गया तो नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं किसका, डिविडेंडो की बात करते हैं। तो डिविडेंडो में भी बहुत सिंपल से स्टेटमेंट होता है, सेम प्रोपोर्शन को एक काम करेंगे माइनस वन कर लेते हैं। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिए ना नंबर सिक्स आप हमसे पहले कर लेंगे, मुझे भरोसा है कि आपका कैलकुलेशन सही होगा। तो ए अपॉन बी माइनस वन डेट इक्वल्स टू सी अपॉन डी माइनस मैंने वन कर लिया। अब एक बात मुझे बताइए कि बेटा जब मैंने इस तरह से लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, बोलिए आप लोग जल्दी बोलिए। तो a माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा, डेट इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन क्या बन जाएगा, d बन जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने आया, जिस स्टेटमेंट को बोल रहे हैं अपन क्या, डिविडेंडो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलना डिविडेंडो। तो ये स्टेटमेंट के बारे में आप लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट होगा डिविडेंडो, हो गया। अब जैसा कि डिविडेंडो भी हो गया, कंपोनेंडो भी हो गया, अल्टरनेंडो भी हो गया, इन्वर्टेंडो भी हो गया, इतने सारे टेंडो के बारे में आप जान चुके हो। अरे टेंडो बोले तो इतने सारे मिल गए आपके प्रॉपर्टी में। अब एक बात मैं इसके आगे आ रहा हूं, जो ज्यादातर यूज होता है, ज्यादातर हालांकि हमारे सामने कंपोनेंडो भी यूज होता है, डिविडेंडो भी यूज होता है, और कहीं कहीं इन दोनों को मिक्स करके भी यूज किया जाता है। आपको कहीं लिखा हो रहेगा बाय यूजिंग सी एंड डी रूल, यानी दैट मींस व्हाट कि दिस इज द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो क्या होता है कंपोनेंडो, क्या होता है डिविडेंडो, इसके बारे में जब जान चुके हैं अपन, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को मिक्स करके अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेवन, इफ ए अपॉन बी डेट इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, यदि ऐसा होगा तो यदि आप कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कर रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी डेट इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये जो रूल बना है, ये जो प्रॉपर्टी बना है, जो स्टेटमेंट बना है, इस स्टेटमेंट को ही बोलेंगे अपन कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं, क्या था कंपोनेंटो क्या था डिविडेंडो। आप इसको देखिए ना, कंपोनेंटो ऐसा था डिविडेंडो ऐसा था। यदि अपन कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज कर रहे हैं और डिवाइड कर ले रहे हैं सीधा एक दूसरे का, तो ये बी बी कैंसिल होगा और यहां से डी कैंसिल होगा जो बचेगा आपके सामने। तो जिसकी वजह से इस रूल को मैं लिख रहा हूं, जो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिए मत, बहुत यूज होता है आगे। तो ये होगा आपका कंपोनेंटो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, यानी कहीं कहीं इसको बोला जाता है सी एंड डी रूल, भूलिए नहीं, इसको सी एंड डी रूल भी कहीं कहीं आपको मेंशन रहेगा, तो आप समझ जाइएगा तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो की बात क्या है। अब इतना ही नहीं, कुछ और भी प्रॉपर्टी हो जाए इसके साथ में, नंबर सेवन हो गए, एट की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि आपको इस तरह से, यानी कहने का मतलब कि जब a अपॉन b जो स्टेटमेंट था अपना प्रोपोर्शन का, उसको मैंने लिख दिया पहले, और यदि इस स्टेटमेंट को आप यदि इस तरह से लिखते हो a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, इस तरह के फॉर्मेट पे,
ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी दैट इक्वल्स टू ए माइनस सी अपॉन बी माइनस डी। आप इस स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो, ए स्टेटमेंट को आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब ए इस तरह से होगा ना, यदि ऐसा गिवन होगा ना, तो इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ए कहां से आया स्टेटमेंट, सो सिंपल ना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, इधर उधर आप लिख सकते हैं ना ऊपर वाले स्टेटमेंट को ऐसा। सिंपल तो किया मैंने, ए प्लस बी था, सी प्लस डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको उधर भेज दिया, बात तो इस स्टेटमेंट निकल रहा है। यानी कहने का मतलब कि नो डाउट जो स्टेटमेंट आपका इससे पहले वाला 7 नंबर का था स्टेटमेंट, उसी को मैंने कन्वर्ट करके 8 में लिखा, एक अलग से स्टेटमेंट नहीं है, बस कंपोनेंट और डिविडेंड को मैंने क्रॉस कर लिया दूसरे से। अब मैं बात कर रहा हूं एक और भी, जहां पे आपको ये बात पता होना चाहिए, नंबर 9 प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। वंस अगेन इफ ए अपॉन बी दैट इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यदि गिवन है ऐसा इस फॉर्मेट पे है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, और इसके बाद यदि आपको इतना मालूम है देन बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी के बराबर, यदि आपको इतना पता है आपको तो लिख लीजिए इफ दिस ए अपॉन बी दैट इक्वल्स, अच्छा इसके फॉर्मेट पे लाना है ना अपने को, तो यहां पे बी होना चाहिए, यानी कहने का मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे सी होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। तो ये आपका पता है ना कि ये रेशियो वाला स्टेटमेंट है, तो कितना बी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू कितना होगा, ए सी होगा। जहां पे बी को अपन क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन बोलो, राइट ऑन वेयर वेयर बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी। यानी इतने सारे प्रॉपर्टीज और ए सारे कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल के कंसेप्ट जो टेंथ के बाद बच्चों को चाहिए, वो मैंने आपको यहां पे दिया हूं। इसके लिए अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बेसिक के नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने इंडाइसेस के बारे में। तो थोड़ा सा इंडाइसेस के बारे में भी मैं आपको बेसिक थीम बताने जा रहा हूं, तो राइट ऑन इसको लिख लीजिए आप। अभी अपन एक हेडिंग देंगे इंडाइसेस। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंडाइसेस की बात कर रहा हूं, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मैंने लिख रखा है इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब एक सिंपल से बात आप समझिए, यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर इज इक्वल टू ए, यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर इज इक्वल टू, यानी ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई मैंने किया, कितने टाइम्स, एम टाइम्स मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट आपके सामने है कितना, ए रेज टू एम। यानी आपको इसमें पावर के बारे में, पावर मतलब क्या, एक्सपोनेंट इंडेक्स के बारे में आपको फुल्ली डिस्कशन करना होगा इंडेक्सेस में। तो आप लिखते चलिए राइट डाउन इंडेक्सेस के बारे में बेसिक सा जानकारी, जो आपको कैलकुलेशन टेक्निक पे इंपॉर्टेंट होगा। तो राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर्स इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाई, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए रेस टू एम। बात तो सिंपल है ना, यदि ए को आप एम टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल में पूछ रहा हूं, ए को यदि मैंने 2 टाइम्स किया तो आप इसको बोल लेते हो ए स्क्वायर बोल लेते हो, 3 टाइम्स कर रहा हूं तो वंस अगेन बोल लेते हो ए क्यूब, तो वैसा ही ए को यदि एम टाइम्स किया तो क्या हो जाएगा, ए रेस टू एम हो जाएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है कि ए रेस टू एम तो हमने लिख तो दिया, बट ए क्या है और एम क्या है। तो ए को अपन बोल लेते हैं बेस और एम को बोल लेते हैं पावर या इंडेक्स बोल लेते हैं। तो आप नीचे मेंशन कर लीजिएगा, हियर हियर ए इज, ए क्या अपना बेस एंड एम क्या है पावर है, पावर भी बोलेंगे इसको, इंडेक्स भी बोलेंगे, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, कहीं कहीं इसको डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री एम डिग्री का इक्वेशन डिग्री बोल रहे हैं, यानी एम का इतने सारे नाम मैंने आपको लिख दिया। अब कुछ बेसिक सा रूल्स हैं इसके लिए, कुछ बेसिक सा रूल्स हैं जिसको अपन प्रॉपर्टी भी बोल लेते हैं, वो रूल्स को हमें वन बाय वन देखते जाना है। तो राइट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस या लॉ ऑफ इंडाइसेस जो लिखना लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस या लॉ ऑफ इंडाइसेस, क्या है इसके नियम, लॉज ऑफ इंडेक्सेस। बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है।
और बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं आगे, क्योंकि एक ही के यदि दो पावर है, सपोज दैट मैंने एक्स रेज टू टू लिख दिया और यहां पे थ्री लिख दिया, तो लोग क्या करते हैं ए बातें और दूसरा में मैंने इस तरह से लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख रहा हूं, दोनों को लोग कभी कभी एक ही बोल देते हैं। आपको ये बात समझ में आया होगा कि यदि एक ही बेस पे दो पावर है यानी इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब सेम बेस ऐसा और मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड होता है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको बेसिक सा यानी कैलकुलेशन टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बातें थोड़ा सा जानना आपको बेहद जरूरी है, जिसके लिए मैं इसके प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, इसके लॉ पे आ रहा हूं। तो नंबर वन यदि फॉर्मेट ऐसा रहा तो क्या करेंगे, ए रेज टू एम प्लस एन रहा तो बहुत सो सिंपल ना, इसको आप लिख सकते हैं ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन। एंड आपको स्प्लिटिंग टेक्निक भी पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं बहुत बच्चों को ये सारी चीजें थोड़ा पता है, लेकिन अब आगे आने के बाद जैसे वो सिक्स सेवन एट में सीखे होंगे, अब आगे आने के बाद उनको लग रहा होगा कि इसका यूज नहीं है, नो डाउट, क्योंकि बेटा आपको ये बात ध्यान रखना कि पूरा जेई का एग्जाम हो या कौन सा भी इंट्रेंस एग्जाम हो आपको बेसिक क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको बेसिक क्लियर है तो आप किसी भी मुकाम तक आसानी से पहुंच पाओगे, ये हमारा गारंटी है। तो इतना लिख गए, अब यहां पे आपको लिख देना है वेयर एम एंड एन आर रैशनल नंबर, रैशनल होगा, एम एंड एन क्या होना चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, रैशनल नंबर। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं, सुन लीजिए, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, यदि सपोज ए के पावर माइनस एम है तो इसको क्या लिखना है, जब पावर नेगेटिव है तो भी आपको पता है इसको आप डिनोमिनेटर में करके लिख सकते हो, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी ये जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो होगा तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बन जाएगा। चलिए तो लिख लीजिए, दिस हो गया, तो लिख दीजिए जहां पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए के वजह से ही तो जीरो होगा ना, तो ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक बात आपको लिखना होगा। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी नंबर थ्री, ए रेज टू जीरो की बात किया जा रहा है, तो ए रेज टू जीरो का भी वैल्यू कितना होगा, वन वन, बट इसके लिए भी कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो रेज टू जीरो क्या बन जाएगा, आप उसको वन नहीं बोल सकते हो, वन रेज टू जीरो, टू रेज टू जीरो, फाइव रेज टू जीरो, इंफिनिटी रेज टू जीरो, सबको आप वन बता सकते हैं, लेकिन जीरो रेज टू जीरो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाता है, जिसको सीखने के लिए हमें यहां पे लिमिट का यूज होता है, लिमिट का यूज होगा, जो आगे अपन लिमिट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, नो डाउट बेसिक में भी मैं आपको थोड़ा सी बातें बताऊंगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, लगे तो यदि आप ऐसा मानते हैं कि जीरो रेज टू जीरो भी वन होगा तो बिल्कुल भी नहीं, ए फॉर्म जो बन गया जीरो रेज टू जीरो बन जाता आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते सिंपल रूल से। अब आ रहा हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के सामने आपके, नंबर फोर, ए रेज टू यदि ए माइनस एन रहा तो इसको भी स्प्लिट करना अपने को, तो इसको भी स्प्लिट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू लिख सकते ना, ऐसा ए रेज टू एम अपॉन ए रेज टू एन, बट यहां भी वही बात है ना कि ए जीरो नहीं होनी चाहिए, कितना सिंपल लॉजिक है, यहां पे ए जीरो नहीं होनी चाहिए और एम और एन क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, जो पहले भी देखे आपने, तो यहां पर मेंशन करिए ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड एम एंड एन आर क्या, रैशनल नंबर। अब आपको याद आ रहा होगा कि रैशनल नंबर कुछ तो पढ़ा था हमने, याद करिए रैशनल नंबर यानी कहने का मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट पे कैसा भी होगा, गुड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, नंबर फाइव, जो कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट बताया कि बहुत ढेर सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, और कुछ मतलब जिसके कंसेप्ट क्लियर है वो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करो, लेकिन थोड़ा सा देखना है, बहुत आसान, ऑलरेडी आप सीख चुके होंगे सेवन ग्रेड में, इसको आप ए रेज टू एम इंटू एन लिखना, बस एक ही बात ध्यान रखना, किसी एक के अननोन पे यदि दो पावर दिया रहे, एक मतलब सपोज दैट मैंने एक्स के दो पावर दे दिया अभी मैंने लिखा, तो सिंपल वे में दोनों पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते, तो बहुत सिंपल ना, ए रेज टू कितना हो गया, एम एन हो गया, कितना सिंपल। यदि आपको इतना ही, ए फिफ्थ नंबर हो गया, सिक्स नंबर प्रॉपर्टी पा रहा हूं, नंबर सिक्स, ए रेज टू पी अपॉन क्यू दिया हो रहा है तो क्या लिखेंगे अपन, यदि इस तरह से रहा तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, यदि आप इसको ऐसा लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो ए रेज टू पी के पावर वन अपॉन क्यू, अपनी मर्जी। अब ये वन अपॉन क्यू का मतलब क्या हुआ, क्यू विथ रूट हो जाएगा,
जब पावर 1/2 रहेगा तो उसको स्क्वायर रूट बोल लेते हो, पावर 1/3 रहा तो उसको क्यूब रूट बोल लेते हो, लेकिन पावर 1/q है तो इसको क्यूएथ रूट बोल लेंगे। यानी कहने का मतलब कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्यू को मैंने क्यूएथ रूट में डाल दिया और ए होगा आपका ए रेज टू पी। यानी कहने का मतलब 6 नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू दैट इक्वल्स टू क्यूएथ रूट ऑफ ए रेज टू पी। आप इस तरह से भी बना के आप एक दूसरे में लिख सकते। अब एक बात और भी, नंबर 6 हो गया, 7 की बात कर रहा हूं। यानी ए बी रेज टू एन रहा, पावर मैंने ए इंटू बी के पावर एन कर दिया, तो अब इसमें क्या करेंगे अपन, इसके लिए भी बहुत सिंपल है ना, क्या होगा ए रेज टू एन इंटू बी रेज टू एन। यानी कहने का मतलब कि ये सारे प्रॉपर्टीज और इसके डेफिनेशन बहुत सरल है, लेकिन इसका उपयोग हमें आगे कैलकुलेशन टेक्निक में मिलेगा, तो मैं इसके लिए मैं आपको ये सारे डिस्कस किया। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट बेसिक टॉपिक पे, जिसमें अपन एक आप हेडिंग दीजिएगा सॉल्विंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है, कि सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में जान करके अपन इसके एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करेंगे कि हाउ टू सोल्व द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। राइट, देन राइट डाउन। अब अपन इसमें मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बेसिक के नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया अपना। इस टॉपिक पे हमें सीखना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे डील करेंगे अपन, कैसे सोल्व करेंगे, उसके आंसर कैसे निकालेंगे। उससे जानने से पहले सबसे पहले मैं आपको से पूछना चाहता हूं या बताना भी चाहता हूं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में। यदि चलिए ठीक है, जितना लोग जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते कृपया कर हमारी बातों को सुने, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कभी भी इस तरह के फॉर्मेट हो या ए रेज टू एक्स हो या ई रेज टू एक्स के फॉर्मेट हो, ये आपको कहीं भी दिखा तो आप समझ जाइए ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। यानी कहीं एग्जाम्पल में फॉर्म पे यदि लिखा जाए तो आप लिख सकते हो ना 2x आपको दिख रहा होगा, या कहीं 5x आपको कहीं दिख रहा होगा, यानी 7x कहीं दिख रहा होगा, 3x कहीं दिख रहा होगा। यानी ये जो फॉर्मेट मैंने जो लिखा ना, ये फॉर्मेट क्या है अपना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे नो डाउट कि मैं इस फॉर्म को डिटेल में डिस्कशन में इसके ग्राफ पे भी आऊंगा, मैं इसके मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन आएंगे इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, तो मैं सारे फंक्शन के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको, एक बेसिक सा बताऊंगा। उससे पहले कि मैं बात करता हूं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के फॉर्म तो आपको समझ में आया, लेकिन अभी इसमें देखिए सॉल्विंग टेक्निक के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें आप लिख दीजिए टाइप वन, टाइप वन की बात कर रहा हूं, आपको देखना है इसमें टाइप वन में कि किस तरह के सवाल होंगे और कैसे हमें उसको सोल्व करके उसके आंसर तक पहुंचना है। तो पहले टाइप वन होता है किस फॉर्म पे वो आप लिख लीजिए, लिख लीजिए इफ ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, इफ ए रेज टू एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू ए रेज टू जी ऑफ एक्स, ए रेज टू जी ऑफ एक्स इस फॉर्मेट पे आपको दिया हुआ रहेगा। बट इसमें भी कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे, क्या होंगे कंडीशन, कभी भी ए ग्रेटर देन जीरो नहीं चाहिए, जैसा अभी मैंने आपको बताया, ए का वैल्यू वन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए वो भी बताऊंगा मैं, लॉग पढ़ाऊंगा इसके बाद। तो नेक्स्ट में जब ए प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है तब आप यहां से लिख सकते हो, देन आपका रिजल्ट यहां से मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स दैट इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स के बराबर। अब ये आपस में इक्वल होनी चाहिए तभी अपन दोनों को लिख सकते हैं, जब बेस आपस में सेम होनी चाहिए दोनों तरफ, इक्वल टू वन नहीं चाहिए, ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तब आप उसको लिख सकते हो, इतना रिजल्ट। अब मैं कुछ सवाल आपको मैं देना चाहूंगा इस फॉर्म पे, इस फॉर्म पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, तो आप लिखते चलिए सोल्व फॉर एक्स, सोल्व फॉर एक्स नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन 2x² - 7x + 12 आपको यहां से x की वैल्यू निकालना है, और दूसरा भी एक दे रहा हूं मैं आपको 2x + 3 सेकेंड नंबर 2x + 3 -2x - 2x =
112 इतना है। और आपको यहां से निकालना है सो सिंपल, एक्स के वैल्यू ही निकालना है आपको, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात पूछना चाह रहा हूं, मैं सवाल नंबर वन के सोल्व करने के लिए मैं एक करता हूं, एक आप करोगे, मैं एक करूंगा एक आप करोगे, ट्राई करोगे, नहीं आया फिर से मैं सोल्व करूंगा। आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, नहीं आया तो फिर से मैं सोल्व करके दूंगा, उसमें आप चेक करें, लेकिन पहले आप सॉल्यूशन को हूबहू छापिए, बिल्कुल भी नहीं, आप समझने की कोशिश करिए कि मैंने किया क्या। तो मैं सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। अब जैसा कि एग्जांपल नंबर वन की बात कर रहा, गिवन क्या है जी, बोलिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस कितना 12 इक्वल्स टू 1। अब आप मुझे बताओ क्या मैं 1 को 2:0 लिख सकता हूं, 1 को 2:0 लिख सकता हूं ना, मग क्या बनेगा बोलो, 2:x² माइनस 7x प्लस 12 दैट इक्वल्स टू 2:0। जैसा अभी मैंने बताया ना आपको कि अभी इंडाइसिस में आपने देखा ना कि 3:0 हो, 2:0 हो, 1:0 हो, बट 0:0 को छोड़ करके सभी के वैल्यू क्या होंगे, 1 के बराबर क्यों। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, इसका रीजन ऐसा आखिर मेरे दिमाग में क्यों आया, एक बार मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा देखिए, आप एलएचएस में देख रहे होंगे ना, तो एलएचएस में इसका बेस कितना है, 2 है। तो यदि अपन इधर भी 2 के बेस में लिख देते हैं तब जाके प्रॉपर्टी और टाइप 1 को यूज करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेटा बेस तो सेम ही है ना, यहां पे यहां भी बेस ए है, यहां भी ए है, तो नो डाउट ना कि मैंने भी इसको सेम बेस में लिखना चाहा। और सेम बेस में यदि लिख दिया तो इसके एक्सपोनेंट जो भी है ना उसको हम इक्वल करके 0 लिख सकते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए क्या बनेगा, बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 दैट इक्वल्स टू कितना, 0। अब ए फैक्टर निकालने तो आता ही है ना आपको, फैक्टर क्या बन जाएंगे, 4 और 3 बन जाएंगे फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 दैट इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 4, और माइनस 3 कॉमन लिया तो एक्स माइनस 4, यानी यहां से दो वैल्यू निकल गया, एक्स का वैल्यू 3 एंड एक्स का वैल्यू कितना 4। दिस आर द आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका आंसर आया। अब कितने लोग को मैच कर रहा है आंसर, आप एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा सही आया था, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ आप देख रहे हो वीडियो, देख के आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, उसके वजह से क्या होगा कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ हमारे बच्चे जो मैंने एग्जांपल दिए वो ट्राई करके मुझे बता रहे हैं कि हाँ सर मुझे ये वीडियो के जो सवाल थे वो मुझे खुद से खुद बन गए थे। चलिए अब मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट सवाल जो आपका सामने जो दिख रहा है, कितना नंबर है, हाँ नंबर 2nd नंबर सवाल को बनाने के पहले शायद से मैं आपसे पहले आंसर पूछ लू, यदि आपका आ रहा होगा तो आप देखिए मैं सोल्यूशन इसके दे रहा हूं, नंबर 2nd, दूसरा नंबर, सबसे पहले 2:x प्लस 3 है माइनस 2:x दैट इक्वल्स टू 112, बात आपका बिल्कुल सही है। अब जैसा कि मैंने इंडाइसेस पढ़े, जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया वो कंसेप्ट को ही यूज करेंगे अपने यहां पे, तो 2:x प्लस 3 इसके एक्सपोनेंट को यदि मैं ब्रेक करूं इंडाइसेस के रूल को फॉलो करते हुए तो ये क्या बन जाएगा, 2:x इंटू 2 के पावर 3 बन जाएगा, माइनस 2:x बनेगा, दैट इक्वल्स टू 112 हो जाएगा। अपन 2:x यदि कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले ली, तो 2³ कितना बनेगा 8, 8 माइनस 1 कितना 7, दैट इक्वल्स टू कितना 112। अब इतना बनने के बाद आपको लग रहा होगा कि 7 टाइम 7 आ रहा है, यानी 7 2:x दैट इक्वल्स टू 112 अपॉन 7 हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि 7 से कैंसिल होगा 16, 16 से कैंसिल होके ए बन जाएगा 16 इंटू 7 बोले तो 112 आ जाता है, तो मैंने 2:x का वैल्यू 16 लिख दिया। अब आप मुझे बताइए कि जब 2:x का वैल्यू यदि आपके सामने 16 आया तो देखिए ना यहां पे बेस 2 है ना, तो क्या मैं 16 को 2 के बेस में लिख सकता हूं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कितना 2:4 लिखना होगा, तो जवाब आपके सामने है 2:x दैट इक्वल्स टू 2:4 हो जाएगा। अब यहां से जब बेस सेम है और ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है टाइप 1 का, तो x का वैल्यू कितना लिख देंगे 4। दिस इज द आंसर ऑफ दिस,
यानी इस टाइप के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आपको मिलेंगे अलग टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिसको भी सोल्व करेंगे अपन। तो आप एक काम करिए, हेडिंग दीजिए टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, हेडिंग दीजिए टाइप सेकेंड। इसमें आपको ध्यान रखना है टाइप टू में, सर टाइप सेकेंड लिख दीजिए आप, हाँ, ट्रांसफरिंग इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रांसफरिंग इनटू टाइप टू ट्रांसफरिंग इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको कुछ फॉर्मेट पे गिवन होगा, सवाल जैसे गिवन होंगे तो उसको किस तरह से ट्रांसफर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये आपको इसमें सीखना है। तो मैं इसके लिए भी कुछ सरल से एग्जांपल ले रहा हूं, राइट ऑन एग्जांपल ले रहा हूं, सॉल्व सॉल्व फॉर एक्स, एग्जांपल है नंबर वन, नंबर वन एग्जांपल है फोर एस टू एक्स प्लस, फोर एस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स प्लस वन, फोर एस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स प्लस वन माइनस एट डेट इक्वल्स टू जीरो, माइनस एट डेट इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा भी एक इक्वेशन है सेकेंड नंबर, फाइव रेस टू एक्स प्लस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव रेस टू एक्स, वन ट्वेंटी फाइव अपॉन फाइव रेस टू एक्स डेट इक्वल्स टू थर्टी, इक्वल्स टू थर्टी। इसको सोल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं आपको एक बातें समझा देता हूं कि किस तरह से ट्रांसफर करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो डाउट कि आप टेंथ में थोड़ा बहुत जानते होंगे, याद आ रहा होगा आपको। अब मैं इसके आगे चल रहा हूं तो थोड़ा सा देखिए, इधर मैं लिख रहा हूं इसके सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं वन नंबर का कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि फोर रेस टू एक्स है, यहां पर टू रेस टू एक्स प्लस वन है, तो क्या मैं 4 को 2 के पावर में लिख सकता हूं ना? तो बिल्कुल भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि ऐसा हो जाएगा 2 के पावर 2x बन जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं कि क्या गिवन है अपना, 4x टू x है प्लस 2x टू x प्लस 1 है माइनस कितना 8 डेट इक्वल्स टू 0। अब इसमें इंडाइसिस का भरपूर यूज करेंगे अपन, जो हमने पहले टॉपिक में सीख चुके हैं। तो मैं 4x टू x को 2x टू x का स्क्वायर लिख दूं क्या? बिल्कुल भी लिख सकते हैं, इंडाइसेस का रूल है, ऐसा लॉ है, इस लॉ को हमें फॉलो करना होगा, दे दिया मैं। और क्या इसके पावर में यदि ऐसा है x प्लस वन, तो क्या मैं इसको भी इस तरह से लिख सकता हूं क्या 2 इंटू टू रेस टू एक्स? तो बिल्कुल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इंडाइसेस का ज्ञान अपने को आ चुका है। माइनस कितना 8 डेट इक्वल्स टू 0, बोलिए तन। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यहां तक हमने इतना लिख दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 रेस टू एक्स के फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या आपको भी ऐसा लगा? यदि हां तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो जब ये 2 रेस टू एक्स के फॉर्मेट पे है, मैं इसमें काम करूंगा, हमेशा इतना लिखने से बेहतर है कि पुट टी इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर कि टी का वैल्यू 2 रेस टू एक्स है। हम टी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या होगा। तो अभी आप मुझे बताइए ना कि आपका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस कितना 2t माइनस कितना 8 डेट इक्वल्स टू 0 कर लिया मैंने। अब क्या इसके कुछ फैक्टर हैं क्या? फैक्टर निकाल के अपन कुछ निकाल सकते हैं क्या? तो फैक्टर माइनस 8 और प्लस 2 है, तो प्लस 4 और माइनस 2 फैक्टर तो बन जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं टी स्क्वायर, फैक्टर भी निकालने आता है आपको, 4t माइनस कितना 2t माइनस कितना 8 डेट इक्वल्स टू 0। अब t कॉमन ले लिया तो t प्लस 4, एक तरफ माइनस 2 कॉमन लिया तो t प्लस 4 जो कि मैंने लिख दिया, तो t का वैल्यू एक तो 2 निकल रहा है और t का वैल्यू एक तो माइनस 4 निकल रहा है, दो वैल्यू आपके दिस एंड दिस बन गए। अब जैसे कि हमने t के जगह पे एज्यूम किया था 2 रेस टू एक्स, वंस अगेन मैं यहां पे पुट डाउन कर रहा हूं, बट हमें यहां पे जो पता है मैं लिख रहा हूं, बट टी इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, तो मैंने तो ऐसा लिख दिया 2 रेस टू एक्स का वैल्यू 2,
एक तरफ 2x का वैल्यू -4। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको एक बात और भी मैं यहां पे बताऊंगा, एक और भी कंसेप्ट आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसा 2x का वैल्यू 2 है तो कहने का मतलब कि 2 है तो इसके पावर में 1 तो लिख सकते हैं ना, ये अपनी मर्जी है, 2x 1 भी लिख सकता हूं 2 को। तो अभी आप बताइए ना, जब इसके बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, बिल्कुल आपके परमिशन है, तो x का वैल्यू 1 लिख दिया आंसर मैंने, बोलो x का वैल्यू 1 आ गया। अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, आप जानिए बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि कंसेप्ट में नो डाउट क्या अपन सीखेंगे, कंसेप्ट से क्या होगा आपको एक बात ध्यान रखना है कि 50% से आप कंसेप्ट समझ जाओगे, लेकिन 50% कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको क्वेश्चन लगाने ही होंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स के। अब जैसे कि 2x का वैल्यू -4 है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक्स का वैल्यू आप कौन सा भी रखो ना, रियल नंबर रखो ना या आप रियल नंबर रखें, रैशनल नंबर रखें, कुछ भी आप रखें ना, रैशनल भी तो रियल में आ ही जाएगा, तो कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, बिल्कुल भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये आपके दिमाग में बैठा लेना, लगे तो यहां पे आप लिख लीजिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांट बी निगेटिव, इसका रिजल्ट कभी निगेटिव नहीं आएगा एक्सपोनेंशियल में। क्यों? क्योंकि अब इसका ग्राफ वगैरह जब जानेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, तो एक बात आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। आज आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, वहां पे रिमार्क में लिख लीजिए, सुनहले अक्षरों में लिख लीजिए वहां पे कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होगा। जब एक्सपोनेंशियल निगेटिव नहीं होगा, जब हमने रूल याद कर लिया, अपन समझेंगे अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा तब अपन सारी चीजें समझ लेंगे, लेकिन आज आपको मैं बोल रहा हूं कि याद रख लेना है। तो जब एक्सपोनेंशियल निगेटिव नहीं होगा तो एक तो वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगा, नहीं तो लाइन ही नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। अगर लाइन नहीं करेगा तो ये जो फंक्शन जो आया आपका, जिसको मैं होल डिस्कार्ड कर रहा हूं कि नहीं होगा, इससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो आंसर क्या होंगे आपके, एक्स का वैल्यू सिंपल कितना 1 आंसर हो जाएगा इसका। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, फाइनल आंसर विल बी एक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट सेकेंड नंबर जो आपके सामने गिवन है, सॉल्यूशन है किसका, सेकेंड का 5x plus 125 upon 5x that equals to 30। सेम टाइप जैसा कि हमने पहले किया, यदि आपको 5x दिख रहा है तो उसके टर्म में इक्वेशन को लिखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता लिखने के तरीके से, तो मैं इसको वंस अगेन कर रहा हूं, पुट t इज इक्वल टू 5x कर दिया, बोलिए ना, यदि मैंने t के जगह 5x कर लिया तो t प्लस 125 अपॉन t बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, गुड, t स्क्वायर माइनस कितना 30t प्लस कितना 125, दैट इक्वल्स टू 0, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आगे अपन चलते हैं। अब t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 की बात किया जाए, तो क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है, 125 चाहिए अपने को, तो बिल्कुल भी है ना, 25 और 5, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 5t प्लस कितना 125 इक्वल्स टू 0, बोलिए, t कॉमन लिया मैंने तो t माइनस 25, एनी ऑब्जेक्शन, 5 कॉमन लिया तो t माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ये बेसिक से रूल यूज कर रहा हूं फैक्टराइजेशन का, आपको पता होगा फैक्टराइजेशन, 6th 7th 8th में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, तो t का वैल्यू यहां से वंस अगेन 2 निकल जाएगा, एक तो 5 निकल जाएगा और एक तो 25 निकल जाएगा, बट हमें t का वैल्यू तो पता है ना कि जो हमने एज्यूम किया है, भूलिएगा नहीं, यदि क्वेश्चन आपको x के रिस्पेक्ट में दिया है तो आपको आंसर को भी x के रिस्पेक्ट में ही देना होगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में दिया है और आप उसको आंसर दे रहे हो t के रिस्पेक्ट में। तो अब यहां से एक बात ध्यान रखना है कि t का वैल्यू, यदि मैंने 5x दैट इक्वल्स टू 5 लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो यहां से x का वैल्यू 1 निकल जाएगा, एक आंसर। यदि यहां से t का वैल्यू कितना है, 5x है दैट इक्वल्स टू 25 है, तो 5 के पावर 2 लिख सकता हूं, x का वैल्यू 2 निकल गया, यानी कहने का मतलब कि x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 इसके बेसिक्स आंसर हो गए,
इस टॉपिक में। यानी कहने का मतलब कि इस तरीके से, यानी ये दोनों टाइप से आप कौन सा भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन रहा तो आप इसके मदद से अप्रोच लगा सकते हो, आसानी से अप्रोच लगा सकते हो। अब जैसा कि हमें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीके है, जैसा आपको समझ में आया, अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट बेसिक टॉपिक जो जेई फाउंडेशन के लिए बेहतरीन टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पे मूव कर रहा हूं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। गिव दैट नेम। अब जैसे कि हमने पहले इतने सारे बेसिक टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया, अब जैसा मैं मूव किया हूं कौन से टॉपिक पे, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम पे मूव किया हूं। तो क्या होता है जनरली रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, आप रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लीजिए, क्योंकि इसका यूज अपने को क्वाड्रेटिक में भी इसका यूज आएगा। थोड़ा सा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री कैसा भी हो, आपको डिग्री वन से बड़ा होना चाहिए, डिग्री कम से कम तो वन होना चाहिए करने का मतलब। यानी मैंने लिख रखा हूं इसमें रिमाइंडर थ्योरम में, लेट पी ऑफ एक्स बी द एनी पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स बी द एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। यानी वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री यानी पावर वन और वन से अधिक होनी चाहिए तो ही अप्लाई होगा। एंड ए बी द एनी रियल नंबर, ए क्या है, कोई भी यदि कोई रियल नंबर है, और यदि आपके सामने उस पॉलिनोमियल को यदि आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, कोई भी पॉलिनोमियल जो आपने x f of x यानी सॉरी p of x जो हमने पॉलिनोमियल लिया उसको यदि आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो p of a के बराबर आएगा। रिमाइंडर थ्योरम बस इतना ही बताता है, सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल p of x यदि आप ले रहे हो उस पॉलिनोमियल को यदि आप x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा, आपका p of a के बराबर बचेगा। ये आपको रिमाइंडर थ्योरम बताता है। तो लेकिन फैक्टर थ्योरम क्या बताता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके रिवर्स प्रोसेस फैक्टर थ्योरम होगा, तो मैं देख लेते हैं यहां पे। वन सेकेंड, यहां भी मेंशन किया हूं कि p of x भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, यानी पहले ही की बात है यहां तक। एंड a भी द एनी रियल नंबर such that p of a zero के बराबर होगा, then p of x minus a is a factor of p of x। बहुत सिंपल है। जब आपको ये ध्यान रखना है फैक्टर थ्योरम में, जब कोई भी पॉलिनोमियल p of x a दिया आता है और उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर यदि p of a zero के बराबर बन रहा है तो आपको एक बात जरूर से जरूर ध्यान में आनी चाहिए कि उसका फैक्टर x minus a ही होगा, क्योंकि दोनों में एक सिंपली आपस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ा सा एक दूसरे से कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहे बातें। रिमाइंडर थ्योरम में जनरली था क्या, मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं कि कभी भी p ऑफ x को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस a से तो रिमाइंडर अपना बन रहा है p ऑफ a। और फैक्टर थ्योरम में क्या बन रहा है कि जब रिमाइंडर उसके जीरो होंगे यानी p ऑफ a जीरो होंगे तो उसका फैक्टर x माइनस a ही होगा। ये दोनों के बीच का स्टेटमेंट होगा, मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा हूं then x minus a is a factor of p of x, और स्टेटमेंट जो लिखा हूं मैं नीचे में, if x minus a is a factor of this then p of a zero के बराबर होनी चाहिए। बहुत सिंपली रिजल्ट। अब एक बात, जैसे कि मैंने कुछ एक नोट पॉइंट में आपको एक बात लिख के दिया है, एक पॉइंट, कोई भी p of x पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो, और एक बात आपको ध्यान रखना है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, If leading coefficient of p of x is 1, leading coefficient is 1। यानी कहने का मतलब कि कोई भी polynomial, suppose second degree के polynomial है, यानी कहने का मतलब कि x square का coefficient को leading coefficient बोलेंगे। जितना ज्यादा power होगा उस power के, मतलब जितना ज्यादा power वाले term जो भी होंगे ना उस term के coefficient को अपन leading coefficient बोलते हैं। तो ये क्या होगा, उसके leading coefficient क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। If leading coefficient of p of x is 1 then p of x is called monic। आपको कहीं कहीं पूछा जाए कि what do you mean by monic, तो आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए कि monic means what, monic क्या represent कर रहा है, जब leading coefficient of p of x क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो function monic हो जा रहा है। अब एक बात, इसी सारे concept को ध्यान में लाने के लिए, इसको use में लाने के लिए मैंने कुछ example यहाँ पे लिखा हूं, उस example पे अपन थोड़ा सा focus करते हैं। मैं example एक बार read out कर रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। एग्जाम्पल नंबर वन, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट। एक पॉलिनोमियल है यहां पे पी ऑफ एक्स, देन पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाई, आपको चार ऑप्शन गिवन है,
आपको पी ऑफ एक्स गिवन है सवाल में, ऐसा कंडीशन गिवन है या क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा जो भी है, तो आपसे पूछा गया है कि ए पॉलिनोमियल किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन ए इज एक्स माइनस ए, ऑप्शन बी इज एक्स माइनस टू, ऑप्शन सी इज एक्स माइनस फोर एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्स प्लस फोर। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का मैं टाइम जरूर से जरूर दूंगा। तो उससे पहले कि मैं मूव कर रहा हूं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोलता है कि लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वन, एक कोई भी पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री के दिए हुए हैं। इसके बाद क्या बोला कि पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। यदि पी ऑफ एक्स ऐसा है और ए पी ऑफ एक्स एक्स माइनस टू से यदि डिवाइडेड है, लीव्स द रिमाइंडर फोर, और उसके रिमाइंडर कितने बचते हैं, चार बचते हैं। जब x माइनस टू से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा रहा है तो उसका रिमाइंडर कितना बचा, फोर बचा। तो आपको फाइंड क्या करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। ये आपको एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इस सवाल का जवाब आप दीजिए तो मैं सोल्व करूंगा। आप दो सेकेंड इसको पॉज करके लिख करके एक बार अच्छे से ट्राई करिए। अब क्वेश्चन नंबर वन में थोड़ा सा देखना आपको, क्योंकि पी ऑफ एक्स किससे डिविजिबल है चेक करना आपको, कितना सिंपल होता है फैक्टर सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। एक्स का वैल्यू इसमें वन रख के देखिए, यदि ये जीरो के बराबर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू इसमें टू रख के देखिए, यदि सेटिस्फाई हो रहा है तो काम खत्म हो जाएगा, फिर से उसके आंसर ये भी आ जाएंगे। यानी आपको रखने के बाद उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, ये पूरा यहां से रिमाइंडर पी ऑफ ए आपस में कितना आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। अब यदि मैं यहां पे 4 रख रहा हूं तो भी 0 आना चाहिए, और ए रखना यानी किससे कितने वैल्यू पे, x का वैल्यू 1 रख के देखिए, 2 पे देखिए, 4 पे देखिए और -4 पे देखिए। यदि 1 रख रहा हूं तो आप बताइए मुझे कितना आएगा, 1 + 1 - 10 + 8, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। 1 सेकंड 2 रख रहा हूं, 2 क्यूब कितना 8 बन जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूं, 8 बन रहा है। फिर 2 का पावर यानी 4 बन जाएगा, माइनस कितना 20 हो जाएगा, प्लस 8 कर लिया, यानी ए 16 और 4 20, ये भी कैंसिल हो, 0 हो रहा है, तो आंसर बी भी होगा। सी पे चेक कर रहा हूं, यानी मल्टीपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, लेकिन आंसर एक से ज्यादा हो रहा है, यानी करने का मतलब कि मोर देन वन करेक्ट सवाल है। देखते हैं क्योंकि जनरली जे एडवांस में इस तरह के सवाल बनते हैं। एक्स माइनस फोर, एक्स का वैल्यू 4 रख रहा हूं, 4 की कितना जाएगा 64, प्लस कितना 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 यानी 40, प्लस 8 कर दिया, यानी 64 और ए कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 88 माइनस 40 जीरो नहीं होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है उसकी। डी चेक कर रहा हूं, माइनस 4 रख के देख लेता हूं, तो माइनस 4 यानी माइनस बन जाएगा, माइनस 64, माइनस रख दिया प्लस होगा, माइनस यदि रखता हूं तो ये प्लस कितना 40 हो जाएगा और माइनस एज इट इज 8 रहेगा। अब चेक कर लेता हूं कितना होगा, 16 और 8 24 और 40 64 माइनस 64 जीरो हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी भी सही है। यानी पहले नंबर सवाल के आंसर यदि मैं लिखू तो यहां पे आपके सामने आंसर निकल रहे हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए बी एंड डी, ए बी डी इज द आंसर ऑफ पहला क्वेश्चन है। वैसा ही मैं सेकेंड नंबर सवाल पे आ रहा हूं, सेकेंड नंबर सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पी ऑफ एक्स इतना है और क्वेश्चन में गिवन है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू एंड इट्स लिव द रिमाइंडर कितना 4। यानी करने का मतलब कि P of 2 कितने के बराबर होनी चाहिए, 4 के बराबर है। आपको इसमें x के जगह 2 रख लेना है। यदि मैं 2 रख रहा हूं कितना आ जाएगा बोलिए ना, a स्टेटमेंट आएगा इसके लिए, तो 2 क्यूब कितना 8 प्लस कितना 2 स्क्वायर, सॉरी उसमें नहीं पहले वाले में 2 क्यूब 8 देन कितना 2 यदि रख लिया तो प्लस कितना 4 के बन जाएगा, प्लस कितना के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 रेडी क्वेश्चन कितना 4 के बराबर। यानी k के टर्म में क्वाड्रेटिक बना करके k का वैल्यू यहां से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, मैं ये भी लिख देता हूं, k स्क्वायर एज इट इज प्लस कितना 4k बन जाएगा। अब 8 में से 1 गया यानी 7 और उधर से 4 जाएगा तो बचेगा कितना प्लस 3 बच जाएगा, 3 डेड इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर k प्लस 3 इंटू कितना k प्लस 1 है, दो फैक्टर इसके लिए, डेड इक्वल्स टू कितना 0 होगा, तो k का वैल्यू निकलेगा कितना -3 और -1, यानी दिस आर द आंसर ऑफ सेकेंड नंबर क्वेश्चन -3 एंड -1। ये आपका कंसेप्ट मैंने बता दिया रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में, जो कि मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको लगा के बता दिए। अब मैं इस टॉपिक को द एंड यहीं पे करता हूं,
अब इसके बाकी के बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ वीडियो और भी आपको मिलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।